अरे अरे हुसैन साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? ना 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 ना, यहाँ सोफे पर बैठे, मेरे पास, मेरे करीब। नहीं नहीं हुजूर, नहीं, ये मेरा मकाम नहीं है। आप आराम से तशरीफ रखिए, मैं इस जगह बहुत खुश हूँ। हाँ ये आप तकल्लुफ कर रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो आपके कुर्ब की सआदत मिलनी चाहिए। बैठने या खड़े रहने से क्या फर्क पड़ता है? अच्छा ये बताएं, क्या आप चाय पिएंगे या कॉफी? नहीं सरकार, मुझे इन दोनों में से कुछ नहीं दरकार, मुझे तो दवाई चाहिए। दवाई? असल हकीकत यह है हुजूर कि कोशिश के बावजूद मेरी तबीयत खराबियों की तरफ झुकती है और अच्छाइयों से गुरेज करती है, कुछ इसका इलाज फरमाया जाए। यह तो उसकी शान है मोहम्मद हुसैन साहब, कभी ठंडे मीठे पानी का दरिया लहरें मारता है और कभी कड़वे जहर खारे पानी की तुग्यानी तलातम पैदा करती है। लेकिन ये दोनों शाने सरकारी हैं, जहूर एक ही जात पाक का है, क्योंकि स्याही सफेदी दोनों ही रंग सरकारी रंग है, इसमें दुई नहीं है। जी सरकार जी, आप तो खूब जानते हैं मोहम्मद हुसैन साहब कि जब आर्मी एक्सरसाइजेस होती हैं तो आधी फौज का नाम दुश्मन रख दिया जाता है और आधी का कौमी फौज। सुबह शाम खून रेस जंग होती है, दिन भर चीखम धाड़ होती है और शाम को दुश्मन फौज गालिब आ गई, सरकारी फौज को शिकस्त हो गई। लेकिन हर हाल में फतह सरकारी की होती है, क्योंकि दुश्मन क्या, कौमी क्या, बागी क्या, सरकारी क्या, दोनों लश्कर सरकार ही के थे, दोनों सरकार ही के अंडर, दोनों को सरकार ही की तरफ से तनख्वाह फराहम हो रही थी, दोनों को राशन सरकार ही का मिल रहा था, दोनों पर सरकार की मेहरबानियां बराबर की। न दुश्मन गुरु के लिए कुछ कमी, न सरकारी और कौमी फौज के लिए राशन ज्यादा। कोई जीते कोई हारे, सरकार को न शिकस्त का गम न फतह की खुशी, क्योंकि सरकार इन दोनों बातों से पाक होती है। मोहम्मद हुसैन साहब, इसमें दो ही नहीं होती, दोनों पार्टियां एक ही होती हैं। सरकार ये रंगारंग मूर्तियां, ये शक्लें शबाहतें, ये ढींगा मुश्ती खींचा तानी, ये सब क्या है? कोई कोई पहले का भागा, सालों की मेहनत वाला पीछे रह गया और कोई बात का आने वाला आगे निकल गया, ये क्या धंधा है सरकार? या मोहम्मद हुसैन साहब, राज दुलारे, ना कोई साजिद है न मस्जूद, ना आबिद न महबूब, ना आदम न इबलीस, सिर्फ एक ही जात कदीम सिफात रंग रंग में जलवागर है, ना इब्तदा है ना इंतहा, ना उसको किसी ने देखा ना समझा, ना फहमो कयास में आए ना वहमो गुमा में समाए, जैसे था वैसे ही है और जैसे है वैसे ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, ना उतरेगा ना चढ़ेगा, वो एक है लेकिन एक भी नहीं, क्योंकि उसकी मौजूदात से और मौजूदात को उससे अलग समझना नादानी और मूर्खता है। दुनिया में तरह तरह के कारोबार, रंगारंग के प्रोफेशंस मौजूद हैं, ऐसे ही खुदा शनासी और खुदा जोई भी एक धंधा है जिसका न कोई सिर है न पैर है। सरकार सरकार, जब इसका कोई सर पैर ही नहीं
तो फिर ढूंढने वाला क्या ढूंढे और करने वाला क्या करे। हजरत मूसा ने अर्ज किया, या मौला तेरी बारगाह में मेरा कौन सा फेल पसंद है जो मैं ज्यादा करूं बार बार करूं। हुक्म हुआ मूसा, ये फेल तेरा हमको पसंद आया कि बचपन में जब तेरी मां तुझे मारा करती थी और तू मार खाकर उसी की तरफ दौड़ता था, उसी की झोली में घुसता था। अल्लाह अल्लाह। तो मोहम्मद हुसैन साहब, ढूंढने वाले को भी यही दरकार है, लाजिम है कि कैसी भी घर में सख्ती हो, कैसी भी जिल्लत और ख्वारी पेश आए, हर हाल में खुदा की तरफ रजू करे और उसी के फजल को पुकारता रहे। अब हुजूर, मुंह से तो हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, लेकिन बातिन का हाल कोई नहीं जानता कि हम कौन हैं, क्या हैं। कोई कहता है खुदा बातिन के अंदर है, और कोई कहता है कि नफ्स और शैतान भी बातिन के अंदर ही घुसा हुआ है। अब अंदर का हाल तो वही जाने। हुजूर, अगर खुदा बातिन के अंदर है तो फिर इन दोनों का गुजारा कैसे हो सकता है कि ये भी बातिन के अंदर मौजूद है? क्यों नहीं भाई वाह वाह वाह। अगर नफ्स और शैतान बातिन में बतौर खिदमत गुजारों और चपड़ासियों की तरह रहे तो क्या मुजायका है, है? आखिर आका को भी तो नौकरों की जरूरत होती है और नौकर लोग भी इसी घर में रहा करते हैं। हुजूर, मैं आपके जूते उतार दूं? ना, आप ऊपर तशरीफ रखें, आराम से बैठे ना। मोहम्मद हुसैन साहब, प्लीज नहीं। सरकार, आप आराम से। मैं बड़ा आराम से हूँ सरकार। ये मैं खुश हूँ मोहम्मद हुसैन साहब, मैं खुश हूँ सरकार।